गया के निजी स्कूल प्रबंधन की लापरवाही से अपने ही स्कूल के छात्र की तनिक भी जान की परवाह नहीं है। एक सप्ताह के भीतर ही शहर एक और स्कूल की बस ने अपने ही स्कूल के 5 वर्ष के छात्र को सोमवार की सुबह कुचल दिया। इससे छात्र ने मौके पर ही अपने पिता की आंखों के सामने दम तोड़ दिया। अब पूरा परिवार और गाँव के लोग छात्र का शव लेकर दहाड़ मार कर रो रहे हैं। वही चालक मौके से फरार हो गया है। स्कूल बस को गांव वालों ने आग के हवाले कर दिया है। इस घटना से पहले बीती 15 अगस्त को डीएवी पब्लिक स्कूल की बस ने अपने ही स्कूल की छात्रा को कुचल दिया था। इसमें छात्रा की मौत हो गई थी। वहीं ताजा मामला मानपुर स्थित प्रज्ञा भारती स्कूल का है। इस घटना के बाद डीएम डॉक्टर त्यागराजन ने परिवहन विभाग को सख्त आदेश दिया था कि एक सप्ताह के भीतर सभी निजी स्कूल प्रबंधन और स्कूल चालकों के साथ बैठक कर उन्हें परिवहन विभाग की ट्रेनिंग दी जाए। लेकिन इस आदेश के 7 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक परिवहन विभाग की ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया। मयंक सिंह राजपूत अपने पिता संतोष सिंह के साथ घर की देहरी से हंसते हुए नन्हे कदमों से स्कूल बस पकड़ने के लिए निकला था। स्कूल बस घर के दरवाजे से महज 10 कदम दूर सड़क पर घर के सामने ही रुकी। मयंक स्कूल बस की सीढ़ियों पर चढ़ा ही था कि बस के चालक ने बस तेजी से बढ़ा दिया। इससे मयंक बस से नीचे गिर गया और वह पहिए के नीचे आ गया। बस उसे कुचलते हुए निकल गई। अपनी आंखों के सामने बेटे को कुचलता देख उसके पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह चिल्लाने लगे, दौड़ कर बेटे के पास पहुंचे। बेटे की हालत देख सुध बुध खो दिया। बदहवास हालत में ही बस के पीछे दौड़ पड़े। बस के चालक को चलती बस से पकड़ कर नीचे उतारा, लेकिन बस का चालक मयंक के पिता संतोष सिंह को धक्का देकर भाग निकला। मयंक की छटपटाहट और बच्चे का शव देख गांव वालों का गुस्सा फूट गया और बस को आग के हवाले कर दिया। स्कूल बस में ना तो कोई खलासी था और ना ही बच्चों की देखरेख करने वाला कोई स्टाफ। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस मौन खड़ी है। वहीं मृतक के घर के परिजनों और गांव की महिलाओं के रोने की आवाज से पूरा गांव गम में डूबा है। इधर डीटीओ विकास कुमार ने बताया कि बैठक की तैयारी कर ली गई है, ऑर्डर भी पास कर दिया गया है, लेकिन मुख्यमंत्री के आगमन की व्यवस्था बढ़ गई है, इसलिए बैठक व ट्रेनिंग नहीं हो सकी है। ने बच्चा को बस में बैठाए और यहाँ से 10 कदम आगे बढ़ा। उसके बाद बच्चा मेरा जो है उधर उसको बच्चा को गोदी में लेकर के आ रहा था। हम इधर से दौड़ते गए तो देखे मेरा बच्चा स्पॉट डेड कर गया। तो किस गाड़ी से धक्का लगा उसको? प्रज्ञा भारतीय स्कूल जो बस चलाती है उसी बस से हुआ। जिस बच्चा पर बैठ के बच्चा जा रहा बैठ गया था हाँ, बस पे। खुदा बैठा है जी की गाड़ी जा रही थी। अब पीछे से हम थे, एक बार एक चक्का जो थी वो केवड़िया है वो केवाड़ी खुल गया, बचवा नीचे गिरा बस मैंने कि सुर में जा रहा था, पीछे चक्का चढ़ गया माथा पर यहीं पे। बस का दरवाजा खुला हाँ खुला, बच्चा नीचे गिरा उसी गाड़ी का चक्का हाँ चढ़ा चढ़ गया हाँ सर पे हाँ। हेलो लगता है 6:30 बज रहा था। उसका कौन स्कूल के बस थे? दिव्या भारती हमने उतना आए प्रज्ञा भारती हाँ। कहाँ का मामला है ये? हाँ ये सिखर सिखर मालनपुर गाँव का मुफस्सिल। क्या नाम आपका? राम प्रवेश पांडे मस्तलीपुर।